अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर सियाल और मेरी आज की पहली वीडियो है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं टेक्सटाइल एजुकेशन का ये कोर्स जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाया हूँ आप लोगों के लिए। मेरा ये मकसद इस एक ऐसी कम्युनिटी बनाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे वो लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो लोग कुछ सीखने की तलब रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, इसी तरह उसको पूरी तरह से एक ऐसी कम्युनिटी मिले, एक ऐसी गाइडलाइन मिले जहाँ पे वो आराम से सीख सके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया आप लोगों के लिए। मेरा ये आज की पहली वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक, वो हम तमाम टेक्सटाइल को एक फाइबर से लेकर एक फैब्रिक बनने तक और उसके फिनिशिंग के प्रोसेस तक, उसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, तमाम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले फाइबर देखेंगे कि फाइबर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के फाइबर हैं और उनके सोर्सेस कहाँ हैं, उनके नेचुरल सोर्सेस से कौन कौन से फाइबर आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन है, वुल है, ये नेचुरल सोर्स के फाइबर हैं, और कौन से फाइबर जो सिंथेटिक सोर्सेस से आते हैं। तमाम फाइबर को हम डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा स्पिनिंग का। एक फाइबर से धागा बनाने का प्रोसेस होता है स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस में हमारे जो प्रोसेस आएंगे, सबसे पहला प्रोसेस ब्लोरूम, जहां से एक फाइबर को क्लीन, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग वगैरह, डिफरेंट फाइबर को ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लोरूम प्रोसेस। उसके बाद कार्डिंग प्रोसेस, फिर ड्राइविंग प्रोसेस, रोविंग। उसके बाद स्पिनिंग की तीन टाइप्स होती हैं जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और तीनों का अलग अलग के क्या मकसद है, उनके वर्किंग क्या है, उनकी कैलकुलेशन क्या है। जैसे तीन कौन सी टाइप्स हैं, एयर जेट स्पिनिंग और रिंग फ्रेम स्पिनिंग, ओपन एंड रोटर स्पिनिंग, इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस आएगा वीविंग का, वार्पिंग से शुरू होगा ये वीविंग का प्रोसेस, ये वीविंग की टेक्नोलॉजी। वार्पिंग, वार्पिंग के अंदर कितनी टाइप्स की वार्पिंग होती हैं, बॉल वार्पिंग हो गई, सेक्शनल वार्पिंग हो गई और डायरेक्ट वार्पिंग हो गई, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और इनकी कैलकुलेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेस आएगा वीविंग का, कितने टाइप्स की वीविंग लूम्स होती हैं, उनके वर्किंग क्या है, उनकी कैलकुलेशन क्या है, उनके प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन वगैरह, तमाम को हम डिस्कस करेंगे। और वो फैब्रिक की जो डिज़ाइनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है फैब्रिक की, उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेस आएगा वेट प्रोसेसिंग, जिसको कहते हैं वेट प्रोसेसिंग में प्रीट्रीटमेंट आता है, डाइंग आती है, प्रिंटिंग आती है एंड फैब्रिक की फिनिशिंग आती है। प्रीट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सिंजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, ओबीए, डिफरेंट फाइबर के लिए डिफरेंट होती हैं, वो जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल के साथ बता देंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेस आएगा डाइंग का, कितने टाइप्स की डाइंग है, कितनी डाइंग है जो इस्तेमाल होती हैं, जो मोस्टली इस्तेमाल होती हैं, और कौन से फाइबर के लिए कौन सी डाइज हैं, और डाइज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उनकी एप्लीकेशन कैसे होती है फाइबर फैब्रिक के ऊपर, क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है एक फैब्रिक को डाइंग करने के लिए, अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग अलग कंडीशंस वगैरह अप्लाई की जाती हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डाइंग के बाद डाइंग की मशीनरीज कितनी है, मेथड कितने हैं, कंटिन्यूस, सेमी कंटिन्यूस में कौन कौन सी मशीनरीज वगैरह यूज़ होती हैं, एग्जॉस्ट प्रोसेस में कौन सी मशीनरी यूज होती हैं, तमाम को हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेस आएगा प्रिंटिंग का, कितने टाइप्स की प्रिंटिंग होती हैं, कितने मेथड्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, और तमाम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंटिंग के बाद हमारा प्रोसेस आएगा फिनिशिंग का। फिनिशिंग में हम पढ़ेंगे कि एक फैब्रिक के ऊपर कौन कौन से फिनिशिंग अप्लाई की जाए। फॉर एग्जाम्पल कॉटन के ऊपर फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश, या क्रीज रेजिस्टेंस, या वाटर रिपेलेंट फिनिशिंग वगैरह जो अप्लाई की जाती है, क्लैम्परिंग की जाती है, इन तमाम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर।
आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और हमारे साथ जुड़े रहें, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा।